नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज़ दो हज़ार बारह का सवाल है क्वेश्चन सेज अ स्टेशनरी सेटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ फाइव आर अबोव द सर्फेस ऑफ अर्थ आर बींग रेडियस ऑफ अर्थ द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सेटेलाइट इन आर्स एट अ हाइट ऑफ टू आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ विल बी ऑप्शन दिए हुए हैं फाइव आर्स टेन आर्स या फिर सिक्स रूट टू या फिर सिक्स बाय टू आर्स ना जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का सवाल है और इसमें हम केपला लॉ थर्ड uh, केपला लॉ का इस्तेमाल करेंगे सो so, एक अपना ये सेटेलाइट पात है ये प्लानट है सो so, एक सेटेलाइट जो जियोस्टरी सेटेलाइट है जिसको डिस्टेंस आपका फाइव आर फ्रॉम सर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ दिया हुआ है तो इसका आर हम लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू आर प्लस फाइव आर सो दैट विल be इक्वल टू सिक्स आर यानी कि सिक्स आर के डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ये रोटेट कर रहा है दूसरा है प्लानट का और इसका टाइम पीरियड हमें पता है टाइम पीरियड इसका होएगा इसको हम टी वन कह रहे हैं इसका टाइम पीरियड होएगा ट्वेंटी फोर आवर्स जियो स्टेशन सेटेलाइट उसका टाइम पीरियड होता है ट्वेंटी फोर आवर्स नव दे इज अनेदर सेटेलाइट एक और सेटेलाइट है जो कि टू आर के डिस्टेंस पे अर्थ uh, के हाइट पर टू आर के हाइट यहाँ पे सर्किट टू आर के हाइट uh, पे रोटेट uh, कर रहा है तो इस वाले केस में uh, इसका जो आर टू है वो हो जाएगा आर प्लस टू आर दैट विल बी इक्वल टू थ्री आर और इसका टाइम पीरियड टी टू क्या होएगा ये हमें बताना है नाउ कैप्लस थर्ड लॉ सेज़ के टी स्क्वायर कैप्ला लॉ कहता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब यानी कि हम कह सकते हैं कि टी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर टू क्यूब डिवाइडेड बाय आर वन क्यूब इसको हम एक साथ ऐसे कर सकते हैं विच एम्प्लाईज टी टू विल बी इक्वल टू आर टू डिवाइड बाय आर वन सो आर टू इज थ्री डिवाइडेड बाय आर वन आर वन इज सिक्स इसका क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी फोर का स्क्वायर सो so इसको सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा सो so अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें सो टी टू विल बी इक्वल टू नाउ दिस विल बी वन बाय टू वन बाय थ्री टू का क्यूब बनेगा वन बाय टू का क्यूब होएगा एट उसका अगर हम अंडर रूट लेंगे तो इट विल बी टू रूट टू सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एट सो दिस विल बी ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय टू रूट टू इसको अगर हम टू से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व बाय रूट टू उसको एक बार रूट टू से कैंसिल करेंगे सो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा सिक्स रूट टू आर सो दिस विल बी द फाइनल आंसर दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम